ऐसे कहा जा रहा है गृह युद्ध जैसी स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में है, क्योंकि इमरान खान के समर्थकों ने जगह जगह तोड़फोड़ की है, आगजनी की है, और इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का घर भी नहीं बचा, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, इमरान खान ने कोर्ट में अपनी हत्या का शक जताया है, आशंका जताई गई है अपनी हत्या की। कोर्ट के सामने उन्होंने ये बात कही है कि उनकी हत्या हो सकती है, वो इंजेक्शन लगाते हैं और इंसान धीरे धीरे कर मर जाता है, और मैं पिछले 24 घंटे से वॉशरूम नहीं गया हूं, ये इमरान खान की ओर से कहा गया। इससे पहले खबरें आ रही थी जो इमरान खान के समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, इसीलिए उनकी रिहाई की मांग भी की जा रही है। गुलाम अब्बास, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपसे अपडेट चाहूंगी किस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान में, और इमरान खान ने एक बार फिर से अपनी हत्या का शक कोर्ट के सामने रखा कि उनकी हत्या हो सकती है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आज की चार बड़ी जी नेटवर्क कनेक्टिविटी अभी भी दुरुस्त नहीं हो सकी है। गुलाम, आप आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं आ पा रही है, और इसीलिए हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये बड़ी खबर बता दें जिसका अपडेट भी आप तक हम पहुंचाएंगे। इमरान खान ने कोर्ट के सामने अपनी हत्या के आशंका की बात एक बार फिर से रखी है, उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि उनकी हत्या हो सकती है। तो पेशावर में किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है बता रहे हैं, सबसे ज्यादा हिंसा अगर कहीं देखी गई है तो वो पेशावर शहर में ही देखी गई है। यहां पर एक एम्बुलेंस तक को आग के हवाले कर दिया गया, वही एम्बुलेंस जो मरीजों की मदद करती है, लेकिन उसे भी इमरान खान के समर्थकों का गुस्सा झेलना पड़ा, और किस तरीके से एक एम्बुलेंस धू धू कर जल रही है तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अलग अलग शहरों से यही तस्वीरें सामने आ रही है, उग्र प्रदर्शन से डर गई है शहबाज सरकार, ये भी कहा जा रहा है। 9 तस्वीरें आपके सामने, एम्बुलेंस को कर दिया गया आग के हवाले, शहर में जगह जगह आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरीके से इमरान खान के समर्थक इस वक्त शहरों पर है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, एम्बुलेंस में पहले तोड़फोड़ की जाती है फिर उसे आग के हवाले कर दिया जाता है, और इस बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए, लेकिन तमाम कोशिशें यहां नाकाम होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। इमरान खान के समर्थन में और वहां की मौजूदा सरकार और फौज के विरोध में इमरान खान के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, और पुलिस बेकाबू भीड़ को, इमरान खान की पार्टी के समर्थकों को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज कर रही है, उसकी भी तस्वीर आपके सामने।